नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर के द्वारा पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2021 से 2022 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत विज्ञप्ति के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें नोटिफिकेशन या स्टूडेंट हेल्प के अंतर्गत रीड मोर का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन सेशन 2021 से 2022 रिगार्डिंग 2021 से 2022 काउंसलिंग। डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन सेशन 2021 से 2022। डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। विस्तृत विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा निर्देश। पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण सत्र 2021 से 2022 में प्रवेश हेतु राजस्थान राज्य में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त निजी एवं राजकीय महाविद्यालय अथवा संस्थानों में निम्नलिखित पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2021 से 2022 में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2022 से 8 मई 2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। कोर्स के संदर्भ में हम जानकारी यहाँ ले सकते हैं। डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ECG टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑप्थेलेमिक टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी आदि पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे हम शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में। अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 10+2 उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी है, जो कि विज्ञान संवर्ग से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो बायोलॉजी एवं मैथ ग्रुप से संबंध रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अथवा अन्य कोई शिक्षा बोर्ड जिसकी 10+2 की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष से हो उत्तीर्ण की हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की समकक्षता सूची अनुदेशिका वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके संदर्भ में हम इसी वीडियो में चर्चा भी करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी की इस अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित तथा अंग्रेजी विषयों में पृथक पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसका सत्यापन संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी उच्च माध्यमिक के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र से किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित तथा अंग्रेजी विषय में से पृथक रूप से किसी भी एक या अधिक विषय में अनुत्तीर्ण पाया जाता है, तो वे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हुए अयोग्य माना जाएगा।
यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा माध्यमिक या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ITI अथवा पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त करने को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक के समकक्ष मानते हुए आवेदन किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हुए अयोग्य माना जाएगा। अनारक्षित वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों के लिए इस अर्क उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक तथा अन्य पिछड़ा OBC वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग MBC, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST एवं शहरिया वर्ग के लिए न्यूनतम अर्क अंक 40% होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा 10+2 उच्च माध्यमिक की परीक्षा सत्र 2020 से 2021 तक उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। सत्र 2020 से 2021 के पश्चात उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे, तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अभ्यर्थी द्वारा 10+2 उच्च माध्यमिक की परीक्षा सत्र 2020 से 2021 तक उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। सत्र 2020 से 2021 के पश्चात उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। आयु सीमा, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी ने दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। अधिकतम आयु की कोई सीमा यहां नहीं है, न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। सीटों की संख्या, काउंसलिंग के दौरान अलग से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पाठ्यक्रम की अवधि की अगर हम बात करें तो यह प्रशिक्षण 2 वर्ष का होगा। सभी पैरामेडिकल महाविद्यालय अथवा संस्थानों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों होगा। परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होगा, जिसका उत्तर हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिया जाना अनिवार्य होगा। अब बात करेंगे हम प्रशिक्षण शुल्क के संदर्भ में। अभ्यर्थियों से अधिकतम निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया जाएगा। ट्यूशन फीस है ₹35,000 पर ईयर, क्वेश्चन मनी है ₹5,000, वंस इन कोर्स ड्यूरेशन एंड रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। यूनिफॉर्म फी है यहाँ ₹1,500, वंस इन कोर्स ड्यूरेशन। महाविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों से ₹25,000 प्राप्त करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जमा कराए गए अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि ₹10,000 संबंधित महाविद्यालय अथवा संस्थान को काउंसिल द्वारा स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो यहाँ पर प्रशिक्षण शुल्क के संदर्भ में जानकारी दी गई है। आवेदन करने की प्रक्रिया एवं शुल्क, तो हमें SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ होगी, इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में विस्तारपूर्वक अवलोकन किया जाएगा। अनारक्षित वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹1,500 आवेदन शुल्क एवं शेष अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹1,000 आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह शुल्क अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल होगा तथा किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाया जाएगा। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क के संदर्भ में जो है जानकारी दी गई है। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक दिनांक 8/9/2021 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को जनाधार कार्ड के नंबर आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य है। प्रवेश एवं काउंसलिंग के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। प्रथम जो काउंसलिंग होगी उसमें ₹10,000 जमा कराने होंगे। इसके पश्चात अग्रिम जो राशि है बैंक के माध्यम से वितरण की जाएगी। वापस लौटाए जाने के संदर्भ में भी यहाँ जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इसका अवलोकन हम आसानी से कर सकते हैं। अपर्ण मूवमेंट के संदर्भ में जानकारी दी गई है। उपस्थिति के समय चाहे गए आवश्यक दस्तावेज की सूची यहाँ पर दी गई है कि हमें काउंसलिंग के समय कौन कौन से दस्तावेज
लेकर जाने आवश्यक होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नॉन क्रिमिलेयर का समयावधि 1 वर्ष वृद्धि का शपथ पत्र ऑनलाइन काउंसलिंग 2021 से 2022 का कार्यक्रम यहां दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 20 अप्रैल 2022, अंतिम तिथि है 8 मई 2022। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत जारी अंतिम वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने की तिथि है 9/5/2022 से 11/5/2022 तक। प्रथम काउंसलिंग प्रारंभ होगी 13/5/2022 से 19/5/2022 तक। इसी तरह से द्वितीय काउंसलिंग, प्रथम काउंसलिंग के संदर्भ में यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट के संदर्भ में हम जानकारी यहाँ आसानी से ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमें रिगार्डिंग काउंसलिंग के संदर्भ में जानकारी मिलेगी, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से हम आसानी से वेबसाइट पर पहुंचकर विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के संदर्भ में भी जानकारी यहाँ आसानी से ले सकते हैं। बात करेंगे हम अनुदेशिका के संदर्भ में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड की सूची यहाँ पर दी गई है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो अनुदेशिका है डाउनलोड हो जाएगी। अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की इस बोर्ड की परीक्षाओं में समकक्षता, यहाँ पर बोर्ड के संदर्भ में जानकारी दी गई है। अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं को राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्ष मान्यता अनुसार दी गई है। तो हम आंध्र प्रदेश के संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। तो ये बोर्ड है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से समकक्षता रखते हैं। इस बोर्ड से जो भी विद्यार्थी जो अध्ययनरत है क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी और मैथ के, वे इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल का लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।